भरतपुर के कामा से खबर, जहां कामा कस्बे के गया कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बाद इसके शव को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बताएं आपको कि मृतक गया कुंड निवासी है। यहां सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस शव को बाहर निकाला गया। युवक गया कुंड में गिरने से दम तोड़ दिया। अस्पताल में भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। इसके शव को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसे अस्पताल पहुंचाते ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम चंद्रभान बताया जा रहा है, जो गया कुंड मोहल्ला निवासी बताया जा रहा है। कुंड में डूबने से इस युवक की मौत हो गई। भरतपुर से खबर, जहां कामा कस्बे के गया कुंड में डूबने से एक युवक की जान गंवा दी। बता दें कि यहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, खबर पर क्या जानकारी? देखिए माधुरी, ये चंद्रमान नाम का युवक है, जो कस्बे की गयाकुंड कॉलोनी का रहने वाला है। ये पास ही के मैंने जो गयाकुंड है उसमें स्नान करने के लिए गया था, तो तालाब में तैरते वक्त ये पानी में ज्यादा गहराई में चला गया और डूब गया, जिससे इसकी मौत हो गई। इसके बाद इसको कड़ी मशक्कत के बाद इसके सबको बाहर निकाला गया, लेकिन इसके परिजनों को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये युवक मर चुका है। तो पहले तो उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे निजी अस्पताल ले गए, लेकिन निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। अब उसका सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी माधुरी, शुक्रिया देवेंद्र जानकारी पहुंचाने की। तो आपको बता दें कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम चल रहा है और उसके बाद इसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।